हेलो एंड ग्रेट वेलकम। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे हड़प्पा से जुड़े हुए हरियाणा में कितने साइट्स हैं, कितनी जगह हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो सबसे पहले देखिए, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि सबसे पुरानी सभ्यता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी एक सभ्यता, ये किस तरह से अस्तित्व में आई। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि चार्ल्स मैसन का नाम आता है, जिन्होंने एक तरह से खुदाई की। तो उन्हें कुछ ना कुछ एक तरह से खुदाई के वक्त कुछ सामान मिला, लेकिन उस वक्त उनकी बात को इतना ज्यादा सीरियस नहीं लिया गया था कि इस तरह से सामान निकल रहा है, कुछ ना कुछ मतलब खुदाई हो रही है। लेकिन बाद में यहाँ पे अस्तित्व में आते हैं, देखिए, राय बहादुर दयाराम साहनी जी। क्यों हुआ था ऐसा? क्योंकि 1853 के अंदर टाइम बीतने के साथ, जैसे फर्स्ट ट्रेन, हमें पता है कि रेलवे ट्रैक जो होता है, रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था। तो उस समय जो थी कुछ ना कुछ ऐसे अलग सी ईंटें निकली थी, और ईंटें निकलने से क्या हुआ था कि जब उनको एक तरह से देखा गया तो बहुत सारे वहां पे ऐसे लग रहा था कि कोई ना कोई सिविलाइजेशन थी, कोई ना कोई सभ्यता थी, जो कहीं ना कहीं टाइम के साथ वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई। तो रेलवे ट्रैक के टाइम, देखिए, सबसे पहली जो ट्रेन है 1853 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे चली थी। 34 किलोमीटर का सफर तय किया था और ये चली थी बॉम्बे टू थाने तक। और इस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। इस ट्रेन का नाम रखा गया था ब्लैक ब्यूटी, इसका नाम था, जिसने पहली बार इंडिया में अपना सफर जो होता है वो तय किया था। तो देखिए क्या हुआ था, धीरे धीरे कार्बन 14, कोई भी प्रोडक्ट जो होता है वो कितना पुराना है, कितना नवीनतम है, तो ये सबसे ज्यादा जो हमें पता चलता है, कार्बन 14 डेटिंग जो टेक्निक होती है उससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता की सर्वप्रथम जो तिथि है, मान लीजिए यहाँ पर दी हुई है 2400 ईस्वी पूर्व से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व। अब आप कहेंगे कि ये जो ईयर्स है ये अपोजिट में कैसे चल रहे हैं? देखिए, ईसा पूर्व से जो भी ईयर होते हैं वो अपोजिट होते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर हम यहाँ पर अगर हम एक तरह से लाइन कंसीडर करते हैं, यहाँ पर लेते हैं हम जीसस क्राइस्ट के बर्थ को, एक तरह से हम जीरो कंसीडर करते हैं उनको, एंड इसके बाद जो भी डेट्स आ रही है, यानी वन हम कह सकते हैं कि एडी हो गई, एनो दामिनी, ईसा हम कह सकते हैं ईस्वी, टू हो गया, थ्री हो गया, इस तरह से करते करते अगर हम आज के टाइम को देखें तो ये चल रहा है 2021, और ईसा के भी जन्म से 2400, यानी मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर हम चल रहे हैं, ये चलेंगे अपोजिट, यानी 2400 पहले आएगा, देन यहाँ पर 1700 आएगा। इस तरह से यहाँ पर ये जो टाइम होता है ये कंसीडर किया जाएगा। तो 2400 से लेके 1700 ईस्वी पूर्व तक सिंधु घाटी जो थी वो बहुत ज्यादा फ्लोरिश हुई थी। अगर हम बात करें इसका विस्तार कैसे हुआ था, तो इसका विस्तार था त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगुलर शेप में हुई थी। और खोज किसने की थी? 1921 में दयाराम साहनी जी ने की थी। अभी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से ये जो चार स्थान है, यानी ईस्ट में कौन सा हमें जगह मिली थी जो कि सिंधु घाटी की थी, वेस्ट में कौन सी थी, नॉर्थ में कौन सी थी, यानी दक्षिण पश्चिम सब दिशाएं हम करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो सिंधु घाटी है यानी सिंधु की जो सभ्यता है, इसको आग ऐतिहासिक कह सकते हैं या ब्रोंज युग में भी रखा गया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे टेबल बनाई हुई है, जो हमारा इतिहास होता है, हिस्ट्री होती है। सबसे पहले तो देखिए, हिस्ट्री इतिहास होता क्या है, क्या हर बीते हुए समय को क्या हम इतिहास कह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं।
हम हर बीते हुए समय को इतिहास नहीं कह सकते, हम इतिहास उसे बोलते हैं जिसके हमें साक्ष्य मिले हैं, चाहे वो रिटन फॉर्म में है, डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में है, चाहे वो पांडुलिपियां हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट हैं, या वो कोई भी हम कह सकते हैं हमें कंकाल मिले, कोई वस्तुएं मिली खुदाई के वक्त। तो इसीलिए हमने ब्रॉडली अपने जो इतिहास है उसको तीन हमने मेनली पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है हमारे पास प्री हिस्ट्री, जिसको हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं उस टाइम को जिसके लिए हमारे पास कोई भी रिटन फॉर्मेट में रिकॉर्ड नहीं है, यानी हमारे पास रिटन में यानी लिखित में साक्ष्य नहीं है। तो इसको बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लिखित में साक्ष्य नहीं है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ चीजें ऐसे मिली है, लाइक कहीं से पोर्ट मिल गया, घड़ा मिल गया, कोई केव वगैरह मिल गई, कोई गुफा मिल गई, या कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो लिखित में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई लिपि भी नहीं आई थी और यहाँ पर कुछ इतना ज्यादा डेवलपमेंट भी नहीं हुआ था। आदि मानव कह सकते हैं आग का आविष्कार होना या पहिए का आविष्कार होना, धीरे धीरे कृषि को सीखना, पशुओं को पालना, ये सब चीजें जो होती है ये प्री हिस्ट्री में हुई थी, जिसको हमने तीन बेसिकली पार्ट्स में डिवाइड किया है, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। पेलियोलिथिक का मतलब होता है पूरा पाषाण काल, और मीजोलिथिक यानी मध्य वाला काम, यानी मध्य वाला जो काल है दैट इज मध्य पाषाण काल हम कहेंगे। एंड नियोलिथिक, नियो का मतलब होता है न्यू, यानी नव पाषाण काल। तो ये तीन पार्ट्स हो गए। देन व्हाट अबाउट द प्रोटो हिस्ट्री, आग ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमें साक्ष्य तो मिले हैं, यानी हमें प्रूफ तो मिले हैं, लेकिन उन्हें ऐसी लिपियां मिली हैं जो पढ़ी नहीं गई हैं, यानी वो लिपियां कैसी हैं? वो पिक्टोरिक ग्राफिक में है, यानी पिक्चर्स की फॉर्म में कुछ ना कुछ उनके ऊपर बना हुआ है या कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो पढ़ा नहीं गया है अभी तक, कि हमारी जो स्क्रिप्ट है वो इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई है। दुनिया में सबसे पुरानी अगर हम स्क्रिप्ट कहें जिसे डेसिफर्ड किया गया, पढ़ा गया, तो दुनिया की सबसे पुरानी लिपि जो है वो है ब्राह्मी लिपि, जिसे कि पढ़ा गया, और अशोक के जितने भी अभिलेख थे वो ब्राह्मी लिपि में ही थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास हिस्ट्री, जो कि इतिहास। इतिहास का मतलब होता है जिसमें हमें लिखित में साक्ष्य भी मिले हैं, जिसे पढ़ा भी गया है, समझा भी गया है, और इसको बेसिकली हमने डिवाइड किया है तीन पार्ट्स में। एक है एंशियंट हिस्ट्री, एक है मेडिवल हिस्ट्री, एक है मॉडर्न हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री का मतलब होता है प्राचीन काल। प्राचीन काल यानी जितनी भी हमारी सभ्यता आई, जितनी भी हमारी सिविलाइजेशन आई, सभ्यता से लेकर लगभग लगभग हम कह सकते हैं कि जब अटैक नहीं हुए थे इंडिया के ऊपर, तब तक हम कह सकते हैं कि हमारे पास था एंशियंट हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री कब होती है? जब मोहम्मद बिन कासिम जैसे ही अटैक करते हैं इंडिया पे और लगाते हैं जजिया कर, तो वहां से मेडिवल हिस्ट्री जो होती है, मध्यकालीन भारत जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। और ये कब तक चलता है? ये चलता है जब तक कि मुगल एम्पायर रहता है, यानी हम कह सकते हैं कि लास्ट जो शासक थे, पावरफुल शासक की अगर हम बात करें तो वो थे बहादुर शाह जफर, और वैसे लास्ट थे मुगल एम्परर ये तात्या टोपे, सॉरी तात्या टोपे नहीं थे, यहाँ पर लास्ट जो थे बहादुर शाह जफर थे, बहादुर शाह जफर, यस। ओके, मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है? आधुनिक इतिहास, जैसे ही यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन कंपनीज इंडिया में व्यापार करने आती हैं, वहां से लेकर लास्ट तक, जब तक कि हम अपना इंडिपेंडेंस एक्वायर नहीं कर लेते, वहां तक चलता है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक काल। तो होप सो आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा अच्छे से। यहाँ पर मैंने मैप भी लिया हुआ है, देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं वो साइट्स, वो सिटीज जहां पर हड़प्पा जो थी ये बहुत ज्यादा फ्लोरिश हुई। हड़प्पा क्यों बोल रहे हैं हम? हड़प्पा इसीलिए बोल रहे हैं कि पहली जो जगह थी, पहली जो साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो
खोजी गई थी, उसका नाम था हड़प्पा। और मोहनजोदाड़ो आपने मूवी भी देखी होगी जो कि ऋतिक रोशन की थी। तो यहाँ पर हम अलग अलग साइड्स को देख सकते हैं। हड़प्पा जो है अभी करंटली ये पाकिस्तान के अंदर है, इंडिया में नहीं है। इंडिया में सबसे बड़ी साइट अगर जगह की बात की जाए तो वो है राखी गढ़ी के अंदर। एंड राखी गढ़ी जो है ये हरियाणा के अंदर है, ये है हिसार में। हिसार से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, लगभग लगभग हांसी के अंदर। तो यहाँ पर अब हम पढ़ते हैं हड़प्पा कालीन हरियाणा जो है, तो सबसे पहले यहाँ पर आता है हमारे पास राखी गढ़ी। तो देखिए हरियाणा सरकार जो है वो 5 करोड़ रुपए की लागत लगा के राज्य स्तरीय पुरातत्व संग्रहालय यानी म्यूजियम को डेवलप कर रही है, जिससे कि जो भी हमारे यहाँ पर हमें साक्ष्य मिले, जो भी अवशेष मिले, उन्हें कहीं ना कहीं रखा जाए और लोगों को और बेहतर जो समझ होती है हमारी सभ्यता को समझने में और ज्यादा हेल्प करे। तो यह जो पूरा स्थल है यानी राखी गढ़ी जो है ये हरियाणा के हिसार जिले में है, और हिसार में भी हम कह सकते हैं कि हांसी जो है वहां पर आपको ये मिलेगा प्रॉपर। और इसकी खुदाई का जो श्रेय है एक्सकैवेशन यानी ये किया गया था डॉक्टर अमरेंद्र नाथ जी के द्वारा 1997 के अंदर। और ये जो हिसार जिले में दृष्टद्वती व चेतांग नदी के किनारे पे स्थित है, क्योंकि जितनी भी हमारी सिविलाइजेशन थी ये लगभग लगभग नदियों के किनारे पे ही थी। और यहाँ पर सबसे बड़ा टीला मिलता है। टीला का मतलब क्या होता है? टीला का मतलब होता है माउंट्स, जो हम कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े हम कह सकते हैं कि शेप्स के अंदर जो ऊंचाई पे जो चीजें बनाई जाती थी। तो इस तल से हमें जौ यानी बारले, गेहूं और चावल के दाने प्राप्त हुए हैं। यहाँ मृतकों को लंबे गड्ढे में दफनाया जाता था, और इसके साथ साथ कुछ सामान भी मिला है। यहाँ ईंटों के अनागार भी मिले। अनागार का मतलब होता है ग्रेनेरी, जहां पर अन्न को रखा जाता था, जैसे आज के टाइम में मंडियों में रखा जाता है उसी तरह से। सिंधु घाटी की अगर लिपि की बात करें तो ये भावचित्रात्मक है, भावचित्रात्मक। और इसके लिए स्पेसिफिक जो टर्म है दैट इज द बेस्ट्रोफेडन हम कहेंगे। ये जो लिपि है बेस्ट्रोफेडन है, और ये लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं। नॉर्मली देखिए जब भी हम कोई चीज लिखते हैं तो वो हम कहां से लिखते हैं? वो हम लिखते हैं बाएं से दाएं, बाएं से चलते हुए हम दाएं तक आते हैं। लेकिन ये जो बेस्टोफेडन जो लिपि है ये लिखी जाती थी दाएं से बाएं के क्रम में, जैसे कि उर्दू लिखी जाती है उसी टाइप से थी। और दुनिया की पहली लिपि वो जो डेसिफर्ड जिसको किया गया था, जिसे पढ़ा गया। लिपि एक्चुअली होती क्या? लिपि होती है जिसमें कोई चीज, लाइक हम लैंग्वेज को लिखते हैं तो वो लिपि होती है जिसमें मतलब एक तरह से चिन्ह अंकित किए जाते हैं। तो सबसे पहली दुनिया की जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। और अशोक जो मौर्य शासक थे उन्होंने बहुत सारे अपने जो अभिलेख थे यानी जो अपने इंस्क्रिप्शंस थे वो इसी भाषा में लिखवाए थे। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अशोक का सबसे बड़ा जो टोपरा का अभिलेख जो है ये आपको मिलेगा कहाँ पे? यमुना नगर के अंदर। तो सिंधु घाटी जो है इसके सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल जो है, देखिए हमने देखा कि इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप है, किस तरह से आप लर्न करेंगे इनको। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आ रहा है पूर्वी जो स्थल है सिंधु घाटी का, वो पूर्वी स्थल नहीं, हम सॉरी उत्तरी स्थल बोलेंगे इसको, क्योंकि टॉप पे है ना। तो उत्तरी स्थल जो है ये है मांदा, मांदा बोल सकते हैं। और इसको कैसे याद करेंगे? माँ जो होती है वो सबसे ऊपर होती है, माँ जो होती है वो सबसे ऊपर होती है। तो यहाँ पर हो गया मांदा जो कि जम्मू और कश्मीर में ये साइट मिली। उसके बाद अगर पूर्वी अगर हम बात करते हैं तो वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर को कैसे याद करेंगे? देखिए पूर्व यहाँ पर आ गया और पूर्व से पूरब हो गया। और ये कहाँ पर है? ये है मेरठ, उत्तर प्रदेश में। मेरठ वो जगह जहां पर 10 मई 1857 को, 1857 को जो क्रांति मंगल पांडे के द्वारा जो शुरू की गई जो एक तरह से। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हो गया हमारा पूर्व वाला, पश्चिम में कौन सा हो गया? पश्चिम में हमारे पास आता है देखिए, यहाँ पर हो जाएगा, ये है बलूचिस्तान हम कह सकते हैं, जो कि करंटली पाकिस्तान में है। सुत कांगो डोर, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर ये जगह है सुत कांगो डोर। और ये डोर, डोर को डोर डोर से आप कर सकते हैं कि आज का जो डोर है वो कैसा है, वो वेस्टर्न डोर है यानी वेस्टर्न डोर है। आज के टाइम में सभी वेस्टर्न
हम कह सकते हैं कि कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, वहां से आप याद कर सकते हैं। एंड देन साउथ वाला जो था ये महाराष्ट्र में साइट मिली है, और महाराष्ट्र के अंदर हम इसको याद कर सकते हैं कि दयामाबाद, दया। अगर आपको दया करनी है किसी के प्रति या दया दिखानी है तो सबको झुकना पड़ेगा, तो साउथ में आता है दयामाबाद, या कई जगह पे आपको टाइमा बाद भी दिख सकता है, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र के अंदर है। लगभग लगभग 300 से 400 साइट्स जो है वो मिली हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी साइट्स स्थल मिले थे, लेकिन उनको फिर एक तरह से, क्योंकि खोद खोद के उनको स्टडी करना पड़ता ना, क्योंकि ऑलरेडी बिल्डिंग्स बन चुकी थी, तो इसीलिए कहीं ना कहीं उसी जगह पे फिर वहां पे स्टॉप कर दिया गया महाराष्ट्र के अंदर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बनावली। बनावली है ये फतेहाबाद जिले के अंदर है, और ये सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित था, और इसकी जो खोज है वो आरएस बिष्ट ने 1973 से 1977 में की थी, बनावली। और यहाँ पर क्या क्या साक्ष्य मिले हैं देखिए, बनावली के अंदर मिट्टी का हल मिला है और जो मिले हैं बारले। बारले जो थी वो सबसे पहले एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिसको कृषि जिसकी की गई थी, जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले। इससे पता चलता है कि लोगों को कृषि जो होती है वो करनी आ गई थी। अग्नि वेदियों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर एक मुद्रा मिली है जिस पर विचित्र यानी एक अलग सा ही पशु अंकित है, जिसका धड़ यानी ऊपर वाला जो सिर होता है वो सिंह की तरह है, और सींग जो है वो बैल की तरह है। तो ये याद रखनी है, ये जो अलग सी मुद्रा है ये कहाँ से मिली है, ये मिली है बनावली से। नेक्स्ट इज कुनाल। कुनाल ये जगह का नाम है, ये रतिया के अंदर है, ये फतेहाबाद में सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित था ये जगह, और इसकी जो खोज है ये की है जेएस खत्री और एम आचार्य ने। यहाँ पे सोने और चांदी के गहने मिले हैं, खुदाई में शाही मुकुट मिला है यानी क्राउन मिला है, यहाँ उल्टे वी आकार के बाणाग्र भी मिले हैं यानी धनुष बाण वगैरह जो होंगे वो भी यहाँ पर मिले हैं। फिर आता है भिरडाना, ये फतेहाबाद में सरस्वती नदी के तट पर है, और इसकी जो खुदाई है वो एलएस राव ने 2003 से 4 में की थी। नेक्स्ट आता है फरमाना खास यानी दक्ष खेड़ा जिसको हम बोलते हैं, यह हड़प्पा स्थल महम रोहतक में आता है, इसकी खुदाई का जो श्रेय है वो डॉक्टर विवेक डांगी को जाता है, और यहाँ पे खुदाई के समय हमें कब्रिस्तान और कब्रिस्तान के आसपास जो घड़े होते हैं वो मिले हैं। इसके साथ मैं आपको बताती हूँ टेराकोटा क्या होता है। टेराकोटा होता है जब मिट्टी को आप अग्नि में पका देते हैं तो वो जो आपको चीज मिलती है वो होती है टेराकोटा। जैसे हम कह सकते हैं घड़े, घड़े जो होते हैं जैसे हम देखते हैं पॉटर बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं, वो एक तरह से बनाते हैं मिट्टी को तैयार करते हैं, मिट्टी के घड़े बना के फिर अग्नि में उसको पकाते हैं, तो वो होता है टेराकोटा। तो सेम चीज हमें सिंधु घाटी में भी मिली है। मदीना ये जो जगह है ये मक्का मदीना वाली नहीं है, ये हरियाणा में हड़प्पा स्थल की जगह है मदीना, यह भी महम रोहतक के अंतर्गत आता है, इसकी खुदाई 2007 से 8 में डॉक्टर मनमोहन कुमार ने करवाई थी। नेक्स्ट है गिरावड़, यह महम रोहतक के अंतर्गत आता है, इसकी खुदाई 2006 में विवेक डांगी ने करवाई थी, और यहां से मृद भांड पकाने की दो भट्टियां भी मिली हैं, यानी मिट्टी को पकाने की जो होती ना भट्टियां यानी जिसमें आग वगैरह हम पकाते हैं, मतलब वहां पर। नेक्स्ट इज भगवानपुर, यह कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। भगवानपुर आप याद कर सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो थे कुरुक्षेत्र में, जहां पे अर्जुन को उन्होंने गीता का सार दिया था, तो भगवानपुर, भगवानपुर है कुरुक्षेत्र में, और यहाँ पे कांच व तांबे की चूड़ियां मिली हैं। नेक्स्ट इज बालू, ये जो बालू है ये कैथल में स्थित है ये जो जगह है, इसकी जो खोज है 1970 में डॉक्टर सूरज भान व डॉक्टर जिम ले ने की थी। तो बालू ये जो जगह ये कैथल में है। नेक्स्ट इज दौलतपुर। अब दौलतपुर कहाँ पे है, थानेसर के अंदर, थानेसर के अंदर आपको मिलेगा कुरुक्षेत्र के अंदर, वहां पे आता है ये दौलतपुर जो चेतांग नदी के किनारे पर स्थित था, और इसकी खुदाई जो है वो प्राचीन संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के द्वारा करवाई गई, यहाँ मिट्टी व ईंटों की मोहरें भी मिली हैं। तो थैंक यू सो मच, हमने देखा आज की जो हमारी वीडियोस थी जिसके अंदर हमने हड़प्पा संस्कृति को देखा, हिस्ट्री को जाना,
और भी यहाँ पर बहुत सारे जो हमारे अलग अलग साइट्स थी, भगवानपुर, बालू, दौलतपुर, इसके अलावा हमने फरमाना खास देखा, मदीना देखा, गिरावड़ देखा, बिराना देखा, कुनाल देखा, बनावली देखा, कहाँ कहाँ पे क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, मांदा कहाँ पे है जम्मू एंड कश्मीर में, आलमगीरपुर महाराष्ट्र, दयामाबाद कहाँ पे है, सुतकांगोडोर। तो इनको बार बार आपने लिख के प्रैक्टिस करना है। फिर हमने लिपि को देखा कि सिंधु घाटी की जो लिपि थी वो कैसी थी, भावचित्रात्मक थी, इसे अभी भी पढ़ा नहीं गया है। तो इस तरह से हमने आज की वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से जाना। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भाई इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।